अभियान चल रहा है, जिसमें मैंने कल दो साइबर ठगों को जो ऑनलाइन गाय भैंस बेचने का काम, वे पुराने सिक्के बेचने का काम करते हैं, ये भोले वाले लोगों को अपने झांसे में लेकर पैसे ठगी करते हैं। इसी प्रकार आप देख रहे हैं आरडी न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर। डीएसटी टीम और जुरेरा थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दुधारू गाय को सस्ते दामों में बेचने का फर्जी विज्ञापन देकर साइबर ठगी करते थे दो आरोपी, जो डीएसटी टीम की सूचना पर जुरेरा पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दबोचने में सफलता हासिल की है। जुरेरा थाना अधिकारी महेश मीणा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक डीग ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन पर लगातार अपराधियों की धरपकड़ हेतु एक विशेष अभियान चला रखा है, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए जगराम सिंह एएसआई जाप्ते के गश्त के दौरान डीएसटी टीम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सतपुड़ा में सस्ते दामों में दुधारू गाय को बेचने वाले दो आरोपी हैं, जहां सतपुड़ा रोड पर किनारे स्थित खेतों के पास से अरशद पुत्र हासम जाति मेव निवासी जयमत थाना पुनाना जिला नूमेवात हरियाणा, वहीं राशिद पुत्र ईसाक जाति मेव निवासी ग्राम सतपुड़ा थाना जुरेरा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जहां दोनों आरोपी की पुलिस द्वारा तलाशी ली गई तो पैंट की जेबों में दो मोबाइल मिले, जिनमें भोले भाले लोगों को दुधारू गाय को सस्ते दामों में बेचने का विज्ञापन डालकर उनकी आईडी व फोटो प्राप्त कर उनसे ट्रांजैक्शन कराने के मोबाइल फोन में स्क्रीनशॉट हैं, जिनके बारे में पूछताछ की गई तो बताया कि हम लोग भोले वाले लोगों को दुधारू गाय का सस्ते दामों में बेचने का विज्ञापन डालकर वे पेंसिल आदि पैक कराने की नौकरी देने का विज्ञापन डालकर उनको षड्यंत्र पूर्वक अपने झांसे में फंसाकर उनसे साइबर ठगी करते हैं तथा उनके फोटो आईडी प्राप्त कर उनका दुरुपयोग करते हैं, जिस पर आरोपी गणों के विरुद्ध जुरेरा थाने पर मामला दर्ज किया गया है, जहां जुरेरा थाना पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जुरेरा थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। जुरेरा थाना अधिकारी महेश मीणा सहित पुलिस जाप्ता उन्हें कामा न्यायालय में लेकर पहुंचा, जहां न्यायालय में पेश किया गया है, जहां आरोपियों का पुलिस द्वारा रिमांड भी लिया गया है। निर्देशन में वांछित निजी मौके के खिलाफ व साइबर ठगों के खिलाफ अभियान चल रहा है, जिसमें मैंने कल दो साइबर ठगों को जो ऑनलाइन गाय भैंस बेचने का काम, वे पुराने सिक्के बेचने का काम करते हैं, ये भोले वाले लोगों को अपने झांसे में लेकर पैसे ठगी करते हैं। इसी प्रकार